जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और आज का जो ब्लॉग है, मैं सीकर से आगे सालासरे गांव में आया हूं, जहां पे हमारे श्री सालासर महाराज विराजमान हैं। ये जैसे कि मैं आपको इसमें लाइव लोकेशन वगैरह डाल दूंगा, और आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और एक फेमस यानी कि प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, जिसे हम सालासर धाम बोलते हैं। तो जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ। और ये अभी हम रात की आरती करने जा रहे हैं। तो ये अभी बज रहे हैं रात के 8:45, और कोई नहीं कह सकता कि रौनक कम है, भीड़ चाड़ कम है। ये प्रसाद आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं। ये लोग हम लोग मेन एंट्रेंस से घुस रहे हैं, श्री बालाजी मंदिर दर्शन द्वार है, जो कि इसका फ्रंट गेट है। के लिए घुस चुके हैं, और ये रास्ता है, अभी बहुत खाली है, सुबह बहुत भीड़ होगी इस रास्ते पे। भगवान का ध्यान करते हुए चलें। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जब भी आप आए बिल्कुल भगवान का ध्यान करते हुए चलें। बहुत ही मतलब ये जिगजैग मोशन में ही है ये परिक्रमा, और उम्मीद है मेरा आपसे कि आप लोग आएंगे। और मैं इस ब्लॉग को कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे से डालूँ, और मैं सुबह की भी आरती करूँगा। तो ये ब्लॉग दो बार दर्शन होंगे मेरे, एक नहीं दो दो बार दर्शन होंगे। तो कुछ ये इस तरीके से दिखती है, देखिए मैं आपको इसका जय बाबा की, बोल बालाजी महाराज की जय, बोल सालासर बालाजी की जय, जय श्री राम। देखिए ये है। सो गाइस, दर्शन तो हो गए, बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस हैं, कोई भी कैमरा यूज़ नहीं कर सकता है। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं, जो संजय की आरती होती थी बहुत ही प्यारे हुए। अब सुबह की आरती का वेट है, और उम्मीद है कि आप लोग सब आइए। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए। जय श्री राम। कुछ 5-6 होटल्स हैं जो बिल्कुल मंदिर के सामने हैं। मैं चाहता हूँ अगर कोई आए तो इन होटल में रुक जाए, ताकि उसको दर्शन करने में देरी ना हो। तो एक होटल ये है, आगे मैं आपको दिखा दूंगा, बहुत सारे पास में होटल हैं। चाय की चुस्की, चाय की चुस्की। दूसरा होटल का होटल BGHN रेस्टोरेंट है, आप लोग इस पर भी रुक सकते हैं एज़ पर योर पॉकेट। ये बिल्कुल जस्ट 50-100 meters है नियर अबाउट, जो है डिस्टेंस मैं आपको मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, मंदिर के बिल्कुल बहुत पास है ये जो होटल है। ठीक है, ये 2-3 होटल में डाल दिए हैं, और धर्मशाला भी हैं, अगर कोई जस्ट 2-3 घंटे के लिए रुकना चाहता है तो वो धर्मशाला भी विजिट कर सकता है। कुछ होटल्स हैं, कुछ धर्मशाला हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। ओके, यात्रा है और मेक माई ट्रिप है, काफ़ी सारे हैं जो आप लोग होटल ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं, और सुबह की आरती के लिए मैं उठ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको ना इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ था ना, थोड़ा 1-2 मिनट पहले, कि एक सुबह की आरती जो होती है बहुत मेन होती है बाबा की। और पूरी उम्मीद तो यही है कि दर्शन अच्छे हों, कैमरा अलाउ नहीं होता है और बहुत ही कम लोग हैं। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि कौन कौन सी आरती होती हैं, कितने टाइम होती हैं। तो बस प्रसाद ले रहे हैं हम लोग।
तो प्रसाद ले लिया है और बस अब सबर नहीं हो रहा है अपने सरकार जी के, अपने महाराज जी के दर्शन करने के लिए, बिल्कुल सबर नहीं हो रहा है। सुबह की आरती का टाइम हो चुका है, ये जितने भी स्पीकर से आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ये ऐलान होता है कि सुबह की आरती का टाइम हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आइए सुबह की आरती का। देखिए बहुत जल्दी जल्दी मैं चल रहा हूँ ताकि आरती नहीं छूटे, क्योंकि ये मेन आरती होती है गाइस। जय श्री राम, जय श्री राम। सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, बस बहुत ज़्यादा भीड़ है। सुबह की आरती बहुत ज़्यादा मेन होती है, मान्यता बहुत होती है, क्योंकि हर दिन का प्रातः दर्शन होता है। आप लोग इस आवाज़ को सुनिए, भक्तों में देखिए कितनी ज़्यादा ही जल्दी है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन की आवाज़ हो, लेकिन नहीं, ये नीचे लकड़ी के हैं ताकि लोगों के लगे ना। अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है क्योंकि एक लाइन खोल दी गई है और सुबह भी हो चुकी है थोड़ी। तो गाइस कहते हैं ना, मन नहीं भरता अगर आप इतनी दूर से आए दर्शन करने, तो बिल्कुल मन नहीं करता। मैं दोबारा दर्शन करने जा रहा हूँ हमारे सालासर धाम के। तेरा अपना आगे आगे न गए तो ये दोबारा दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। पहले दर्शन बहुत प्यारे हुए, अब दूसरे भी प्यारे होंगे। भक्ति में शक्ति सब लोग सही कहते हैं। तो सुबह भी भीड़ थी, अभी भी भीड़ है,
और सुबह भी भीड़ थी और अभी भी भीड़ है। आप देख सकते हैं बच्चों का कितना जुनून है, सब झंडा लेके आरती के लिए। मतलब ये हमारी कल्चर है, आप इसको भी कह सकते हैं। और भाई जो यहाँ पर आया है ना, उसको फिर ना किसी का भय ना किसी का खौफ, कुछ भी नहीं। धाम पर आए हैं, पूरी मनोकामना पूरी होगी, दिल से होगी। सूर्यनारायण जी भी आ चुके हैं, सूर्यनारायण जी भी आ चुके हैं और सेम वही भीड़ है। प्यारे हुए दोबारा भी दर्शन हो रहे हैं और यहाँ से आप अपनी अपनी मनोकामना मांग सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। Ha ha ha.